फाइब्रॉइड्स इन प्रेगनेंसी। आइए इस बारे में बात करते हैं। इसको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। फाइब्रॉइड्स जब आप प्रेग्नेंट होते हैं और डायग्नोज होते हैं तो आपको 9 मंथ्स तक किन बातों का ख्याल रखना है और क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फाइब्रॉइड्स जब आप डिलीवरी के लिए जाते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी होगी, सिजेरियन होगा, ब्लीडिंग ज्यादा होगा, कम होगा, ये सब बातें सेकेंड पार्ट में। और थर्ड पार्ट है डिलीवरी के बाद फाइब्रॉइड का क्या कोर्स होता है। मैं हूँ डॉक्टर ज्योति मिश्रा, गायनेकोलॉजिस्ट। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू लाइक माई वीडियोज, और अगर आपको पसंद आए तो उनको शेयर जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, पहले शुरुआत करते हैं। आप अभी नई नई प्रेग्नेंट हुई और आप अल्ट्रासाउंड करा के जब डॉक्टर के पास गए तो आपको पता चला कि आपको तो यूट्रस में प्रेगनेंसी के साथ साथ एक फाइब्रॉइड भी है। तो अब आपके मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, बहुत सारी दुविधाएं, फियर्स होते हैं। लेट अस डिस्कस ईच फियर वन बाय वन। जब अर्ली प्रेगनेंसी में फाइब्रॉइड डायग्नोज होता है तो हमको ये जानना जरूरी है कि फाइब्रॉइड का साइज क्या है और उसकी लोकेशन क्या है। अब जैसे कि ये यूट्रस है और इसमें फाइब्रॉइड अगर यूट्रस की वॉल के बाहर है, बड़ा भी है पर यूट्रस के बाहर है, तो हमको इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये इसकी वॉल के बीच में है, जैसे यूट्रस की जो मसल लाइनिंग है इसमें कहीं है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकता है। प्रॉब्लम तब है जब ये यूट्रस की कैविटी की तरफ, अंदर की तरफ प्रेस कर रहा हो, जहां पे कि बेबी पल रहा है। ऐसे केसेस में फर्स्ट 3 मंथ्स में स्पेशली ब्लीडिंग का रिस्क रहता है और मिसकैरेज का रिस्क रहता है। अगर ये फाइब्रॉइड बहुत छोटा है, 1 to 2 centimeters, तो यूजली कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पर अगर ये बड़ा फाइब्रॉइड है और यूट्रस की इधर लाइनिंग पे प्रेस कर रहा है तो पेशेंट को मिसकैरेज का रिस्क रहता है। ऐसे केसेस में हमको एक्स्ट्रा सपोर्ट देने पड़ते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स देने पड़ते हैं, तो यूट्रस को रिलैक्स रखते हैं। फाइब्रॉइड को भी हम कुछ नहीं कर सकते, वी जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच, पर हम आपकी प्रेगनेंसी को संभालने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट कर सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम आता है प्लेसेंटा का। प्लेसेंटा जो बच्चे की नाभि से लेके माँ की यूट्राइन वॉल पे कनेक्शन नाल से बनाता है, उसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अब अगर ये प्लेसेंटा उस फाइब्रॉइड के ऊपर जाके बनने लगा तो वहां से एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स कम होगा, क्योंकि उसको उतनी ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी जो उसको नॉर्मल यूट्रस की वॉल से मिलती। ऐसे केसेस में बेबी को ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, इसको हम कहते हैं IUGR, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। या प्लेसेंटा अंदर थोड़ा सा एबनॉर्मल वे में जा सकता है, जिसको कि डिलीवरी के टाइम में सेपरेट करने में मुश्किल आ सकती है। कभी कभी पेशेंट्स को शुरुआत से ही बहुत बड़े फाइब्रॉइड्स होते हैं और उनको पता ही नहीं था वो प्रेग्नेंट हो गई। फाइब्रॉइड कैन बी लाइक एज बिग एज अ फुटबॉल, पूरा पेट भरा हुआ है। ऐसे में प्रेगनेंसी को ग्रो करने में उनको रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ पेन होते हैं। पेशेंट को बार बार इतना दर्द उठता है, भारी पर इतना होता है कि उसको रिपीटेडली बीच बीच में हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। हमारे कुछ पेशेंट्स रहे हैं जिनको हॉस्पिटल कभी एडमिट करते थे, दर्द की कुछ दवाएं हम इंजेक्शन से देते थे, फिर वो घर जाते थे। किसी तरह से हम 9 मंथ्स तक पहुंचे और हमने डिलीवरी कराई उनकी। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि अब आप 9 मंथ्स पहुंच गए, अब डिलीवरी सिजेरियन से होगी या नॉर्मल, ये फाइब्रॉइड के कारण क्या ऐसा कोई प्रॉब्लम आ सकता है। फाइब्रॉइड अपने आप में इंडिकेशन नहीं है कि बच्चे के लिए हम सिजेरियन करें। नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, अगर आपके बहुत बड़े फाइब्रॉइड्स हैं तो भी आपको नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, अनलेस कि कोई आपका ऑब्स्टेट्रिक इंडिकेशन, मतलब कोई ऐसा कारण बन जाए जिसके कारण हमको सिजेरियन करना ही है, तो बात अलग है। अब ये डिपेंड करेगा, अगर ये फाइब्रॉइड यूट्रस के माउथ पे ही लोकेटेड या लोअर पार्ट में है तो ये इनइफेक्टिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस करेगा। पेशेंट को पेन आ रहे हैं, दर्द भी हो रहे हैं, यूट्रस भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, पर उसका इफेक्ट नहीं आ रहा क्योंकि रास्ता ठीक से खुल नहीं रहा और बच्चा नीचे खिसक के नहीं जा रहा। ये सब प्रॉब्लम्स फाइब्रॉइड दे सकता है। दूसरी प्रॉब्लम आ सकती है कि पेशेंट ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में चला जाए, मतलब फाइब्रॉइड आगे से रास्ता ब्लॉक कर रहा है और कॉन्ट्रैक्शंस क्योंकि रास्ते को खोल नहीं पा रहे तो उसको ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर कहते हैं। बच्चेदारी बहुत सूजन आ जाती है उसमें, हमको ऐसे केस में इमरजेंसी सिजेरियन करना पड़ता है। और तीसरी पॉसिबिलिटी है आपकी हायर चांस ऑफ सिजेरियन बिकॉज ऑफ द कॉजेज जस्ट नरेटेड। अब अगर आपकी डिलीवरी हो गई, हमने प्रेगनेंसी में सिजेरियन या नॉर्मल डिलीवरी करके बच्चे को निकाल दिया, पर आपको हम जो रिस्क बताते हैं जब आप लेबर में जाती हैं कि आपको ब्लीडिंग की ज्यादा चांस है। जो यूट्रस नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट होकर अपने सारे ब्लड वेसल्स के मुंह को बंद कर देता है, क्योंकि फाइब्रॉइड है उसमें, तो उतना अच्छे से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, सिकुड़ नहीं पाएगा। तो पॉसिबिलिटी है कि आपको पोस्टपार्टम हैमरेज, जिसको हम कहते हैं डिलीवरी के बाद होने वाली ब्लीडिंग, बहुत ज्यादा हो सकती है, जिसके लिए हमको खून चढ़ाना पड़ सकता है और कुछ स्पेशल सर्जिकल प्रोसीजर्स भी करने पड़ सकते हैं उस खून को बंद करने के लिए। डिलीवरी के बाद जब आप अगले 1.5 महीने में रिकवर हो रही होती है, उस समय यूट्रस नॉर्मल जब धीरे धीरे सिकुड़ के आ जाता है, इसको हम कहते हैं इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। अब क्योंकि उसको फाइब्रॉइड्स हैं तो कभी कभी वहां पे भी सब इन्वोल्यूशन, मतलब यूट्रस सही स्पीड से रुक के धीरे धीरे नॉर्मल पे आए। इस बीच में उसमें इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, और क्योंकि आपको अगर ब्लीडिंग होती रही है ऑफ एंड ऑन तो आप एनीमिक होंगी, तो आपको
जल्दी और बीमारियां पकड़ सकती है, इन्फेक्शन पकड़ सकते हैं। तो डिलीवरी से पहले हम पेशेंट को सारी कंसेंट्स लेते हैं, उनको सारी रिस्क बताते हैं। पेशेंट जिसको बहुत सारे बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स हैं, वो थोड़ा सा हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहा जाएगा और डिलीवरी भी हाई रिस्क होगी। ऐसे में हमको ब्लड अरेंज रखना पड़ता है और कंसेंट लेनी पड़ती है कि अगर आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हुआ तो हमें यूट्रस में कुछ खास तरह के टांके लगाने पड़ेंगे। यूट्रस के आसपास की खून की नलियों को बांधने के लिए हमें टांके लगाने पड़ेंगे। कभी कभी हमको एम्बोलाइजेशन भी करना पड़ सकता है। और डिलीवरी के बाद जो पॉसिबिलिटी बताया पीपीएच का, ये सब इन्फेक्शन हो सकता है। एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसको हम कहते हैं रेड डिजनरेशन ऑफ फाइब्रॉइड। मतलब फाइब्रॉइड जो कि फॉर्म बॉल जैसा थोड़ा सा टफ था, उसमें एरियाज ऑफ डिजनरेशन मतलब सॉफ्टनिंग ऑफ फाइब्रॉइड हो जाता है ड्यू टू चेंजेस इन ब्लड सप्लाई। अब पेशेंट को इसमें अक्सर पेन होता है, पेशेंट को पेन काफी सीवियर हो सकता है, पर ये आपको जानना जरूरी है कि हम ऑपरेट तो कर नहीं सकते। तो ऐसे में हम पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करके उसको आईवी लाइन मतलब नस के अंदर पेन किलर्स देते हैं, जैसे कि जो बहुत सेफ होते हैं, पैरासिटामोल ड्रिप इस तरह के देते हैं, जिससे कि वो थोड़ा सा समय निकल जाए, धीरे धीरे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। पर ये बीच बीच में उनको रेडी जनरेशन के कारण दिक्कतें आ सकती हैं। कई बार पेशेंट्स कहते हैं कि सर्जरी तो हो ही रहा है, हमारे फाइब्रॉइड भी निकाल दीजिए। कुछ साल पहले तक ये बिल्कुल ऑब्सोलीट कॉन्ट्राइंडिकेशन था, हम लोग प्रेगनेंसी में फाइब्रॉइड को टच भी नहीं करते थे ना हम सर्जरी में निकालते थे। पर अब क्योंकि इतनी अच्छी ड्रग्स आ गई है, एनेस्थीसिया इतना अच्छा हो गया है, ब्लड बैंक्स ब्लड फैसिलिटीज इतनी ज्यादा अवेलेबल है इजीली, कि आजकल हम लोग सर्जरी के दौरान अगर किसी को सामने ही हमको फाइब्रॉइड्स दिखाई दे रहे हैं या यूट्रस की आउटर साइड में है, बहुत अंदर को धंसे हुए नहीं है, उनको हम सर्जरी के साथ साथ निकाल सकते हैं। तो पेशेंट के दो ऑपरेशन एक ही समय में हो जाते हैं। अब आप बेबी लेके घर चली गई, अब आपको ये चिंता होगी मेरे फाइब्रॉइड का क्या होगा। तो जब आप 7 डेज बाद फॉलोअप में हमारे पास आती है, डॉक्टर्स के पास जाती है, तो हम आपको तसल्ली रखने को बोलते हैं आपसे। हम आपकी ब्लीडिंग की इंक्वायरी करते हैं कि आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। अगर सब ठीक है तो आपको हम सलाह देते हैं कि 1.5 महीने तक कम से कम, प्रेफरेबली 3 मंथ्स तक कोई अल्ट्रासाउंड ना करें। उसके बाद ही हम अल्ट्रासाउंड में असेस करेंगे कि आपके फाइब्रॉइड का एक्चुअल साइज कितना है, क्योंकि जो फाइब्रॉइड प्रेगनेंसी हार्मोन से बड़ा हो गया था, अब वो सिकुड़ के धीरे धीरे एक पर्टिकुलर साइज पे आ जाएगा। हो सकता है वो इतना छोटा हो जाए कि आपको फर्दर कोई ट्रीटमेंट की जरूरत ना पड़े। फाइब्रॉइड्स बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं यूट्रस के, मतलब जो कैंसर नहीं होते, उनका कैंसर की पॉसिबिलिटी होना बहुत ही रिमोट है। तो आप घबराएं नहीं, अगर आपको प्रेगनेंसी है और आपको फाइब्रॉइड्स डायग्नोज हुए हैं तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये इतनी प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको बताई, इट्स वेरी रेयर टू गेट दीज प्रॉब्लम्स। पर क्योंकि रेयर केसेस में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसलिए अपनी डिलीवरी किसी टर्शियरी केयर सेंटर पे, जहाँ पे कि ब्लड बैंक आईसीयू सभी सुविधाएं हो, वहीं पर कराएं। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपके कुछ काम आई है, आपको पसंद आई है, तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड गुड बाय फॉर नाउ।